द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या किसी को नमाज पढ़ने से या फिर पूजा करने से रोका जा सकता है? अगर वो भी तब जब फुर्सत के समय में यह प्रक्रिया अपनाई जा रही हो। लेकिन ऐसा हुआ है। हैदराबाद के एक कॉलेज में छात्राएं नमाज पढ़ रही थी लंच ब्रेक में। उस वक्त हिंदूवादियों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। हिंदूवादी उसी कॉलेज के स्टाफ हैं और उनके द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के बाद वहां बवाल मचने लगा। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी देखे गए। आप विजुअल में देख सकते हैं कि ये मुस्लिम लड़कियां कॉलेज परिसर में नारेबाजी भी कर रही हैं और अपना विरोध भी दिखा रही हैं कि क्यों उन्हें बार बार उनकी आस्थाओं से दूर करने की कोशिश होती है। सवाल यह है कि स्कूल कॉलेजों में जब सरस्वती पूजा, प्रतिमा स्थापना, गणेश चतुर्थी प्रतिमा स्थापना, पूजा पाठ में रोक नहीं है, तो फिर लंच ब्रेक में अगर छात्राएं नमाज पढ़ लेती हैं तो उससे स्कूल प्रबंधन को, कॉलेज प्रबंधन को दिक्कत होती क्यों है? पूरी रिपोर्ट हम बताते हैं कि वहां पर हुआ क्या है। उससे पहले जरा इस वीडियो क्लिप को थोड़ी देर आप देखिए, सुनिए कि कैसे नारेबाजी चल रही है। लड़कियां कह रही हैं, वी वांट परमिशन फॉर नमाज। सुनिए। तो सुना आपने, मोविन एलएलबी ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, मुस्लिम छात्राओं के साथ नमाज के दौरान दुर्व्यवहार का आरोप। छात्रा लंच ब्रेक के दौरान नमाज पढ़ रही थी तो उसके साथ दुर्व्यवहार और उसकी आईडी तक फाड़ दिए गए। उसी क्रम में प्रबंधन के खिलाफ छात्रा विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। केवी रंगा रेड्डी डिग्री कॉलेज संतोष नगर हैदराबाद का है यह मामला। इस संबंध में एक ट्वीट और दिखाते हैं, उसमें भी कुछ वीडियो क्लिप हैं और वो भी नारेबाजी प्रदर्शन से ही जुड़े हुए हैं। कॉलेज कैंपस में ये विजुअल्स बनाए गए, लड़कियों का विरोध है और इसमें जो विजुअल्स हमने देखे हैं, तमाम छात्राओं का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। अलग अलग विजुअल्स हैं, आप अपने स्क्रीन पर कुछ भी विजुअल्स देखेंगे तो सब में विरोध प्रदर्शन ही नजर आएगा। लेकिन यहां पर सवाल यही है कि यह विरोध प्रदर्शन अगर लड़कियां कर रही हैं या उचित है या अनुचित है। सवाल बस इतना है कि इसी केवी रंगा रेड्डी कॉलेज में अगर गणेश चतुर्थी मनाई जानी हो तो मनाया जाने दिया जाएगा या नहीं, सरस्वती पूजा करना हो तो करने दिया जाएगा या नहीं। अगर इसकी अनुमति है, पूजा पाठ करने की अनुमति है, सेलिब्रेशन की अनुमति है, तो लंच ब्रेक में नमाज पढ़ने पर आपत्ति क्यों है? हिजाब पहनने पर भी आपत्ति क्यों है? यह सवाल है, क्योंकि ड्रेस कोड में तो ये लोग आते हैं, अगर एक स्कार्फ लगा लेते हैं तो उससे दिक्कत क्यों है? यहां देखिए, अशरफ हुसैन ने लिखा है इसी तमाम वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए जो भी लगातार अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हैदराबाद के एक कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं का आरोप है कि लंच ब्रेक के दौरान उनके द्वारा नमाज पढ़े जाने पर उन्हें रोका गया, उनकी आईडी कार्ड फाड़े गए। इसके बाद छात्राओं का केवी रंगा रेड्डी कॉलेज में प्रोटेस्ट भी देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यह विजुअल्स तो आप लगातार देख ही रहे हैं। देखिए, बड़ा सवाल है कि यह मामला आप हैदराबाद के इस कॉलेज में देख रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में यह बवाल है। कर्नाटक में जब बवाल हुआ था तब भाजपा की सरकार थी और लिहाजा हिजाब को बीजेपी सरकार ने बैन करवाकर ही माना, और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई है तो पता चला कि थोड़ी राहत दी गई है। लेकिन हैदराबाद में यह दृश्य क्या है? वहां तो बीजेपी की सरकार है भी नहीं, वहां हिंदूवादियों का यह तांडव या अभद्रता क्यों? राजस्थान में देखिए, विधायक जी जीते नहीं, बाल मुकुंदाचार्य के स्कूलों में अतिथि बनकर पहुंच रहे हैं और लड़कियों को हिजाब पहनने पर दुत्कार रहे थे, उनके खिलाफ थाना का घेराव हो गया, विरोध प्रदर्शन किए गए। कई स्कूलों में ऐसा हो रहा है।
अभी रिपोर्ट आई राजस्थान से ही कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इतना बड़ा फैसला लिया। पहले तो कहा गया कि नमाज और पूजा पर गायब रहने वाले, स्कूलों से गायब रहने वाले, घंटों गायब रहने वाले जो शिक्षक हैं उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। किया भी गया, सस्पेंड किया गया तो नाम देखे गए, तो पूजा वाले का नाम तो था नहीं कि कोई सस्पेंड हुआ है। हाँ, लेकिन जो नमाज पढ़ने वाली बात थी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। और ऐसे में जब आगे आरोप लगने लगे, विवाद खड़ा होने लगा, तो इसका एंगल ही बदल दिया गया कि ये मतांतरण स्कूल में कराते थे, इस वजह से इन लोगों को सस्पेंड किया गया। मतलब बच्चों से जबरदस्ती स्कूल में नमाज पढ़वाते थे, इस वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ जांच की जा रही है। कमाल है, ये एंगल निकालने वाले जानबूझकर क्या मुसलमानों को प्रताड़ित करना चाहते हैं। अगर हमारे देश में करोड़ों मुसलमान हैं तो आप उनके आस्था पर ब्रेक तो नहीं लगा सकते ना। उनके अपने रिचुअल्स हैं, परंपरा है, उनकी जो धारणाएं हैं वो तो उन्हें मानेंगे। अगर हम हिंदू अपने तमाम परंपराओं को मान सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं मान सकते। ऐसी तो बात है नहीं कि वो 5,000-10,000 की संख्या में, वो भी करोड़ों में, उनका भी उतना ही हक है, उनके भी अपने जिंदगी जीने का, अपने धर्म की रक्षा का, अपने धर्म के पालन करने का हक है, फिर इतनी दिक्कत क्यों। आइए जरा हैदराबाद की घटना पर एक रिपोर्ट देखें। ये हमारे पास siyasat.com की रिपोर्ट है और इसमें सारी बातें बताई गई हैं। हैदराबाद कॉलेज ने नमाज की इजाजत नहीं दी, छात्रों ने किया प्रदर्शन। ये लड़कियां जो हैं प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें जो खबर है उसे भी देखिए। बताया जा रहा है कि संतोष नगर में केवी रंगा रेड्डी डिग्री कॉलेज फॉर वुमन की मुस्लिम छात्राओं ने कथित तौर पर नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार करने पर शनिवार 24 फरवरी को प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये अचानक से इस तरीके से बैन क्यों लगता है? अगर ये लड़कियां आज विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, इसका मतलब इससे पहले वो नमाज पढ़ रही थी, फिर क्यों बैन लगाया गया? अब हैदराबाद में ही यह खबर भी आई थी कि परीक्षा से पहले बुर्का हटाने के लिए कहे जाने पर छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। तो इस तरीके से लगातार रिपोर्टें मिलती रहती हैं। और जो इस मामले में हमारे पास खबर है, जो आईडी कार्ड फाड़े जाने की बात, नमाज नहीं पढ़ने देने की बात, ये देखिए इस संबंध में क्या बताया जा रहा है siyasat.com पर। यह पहली बार नहीं है जब कॉलेज मुस्लिम छात्राओं को अपने धर्म का पालन करने से रोकने के लिए खबरों में आया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि संस्थान के भीतर विरोध प्रदर्शन लगातार 3 दिनों तक थोड़े समय के लिए जारी रहा। 6 महीने पहले छात्राओं ने प्रबंधन पर हेड स्कार्फ पहनने की इजाजत नहीं देने का आरोप लगाया था। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ था। तो यह विवाद अभी लगातार जारी है और इस संबंध में जो अपडेट मिले कि घटना की सूचना पहले गुरुवार को दी गई, उसके बाद जब प्रदर्शन लगातार जारी रहा, बातें नहीं मानी जा रही थी तो पुलिस को भी बुलाना पड़ा, पुलिस ने हस्तक्षेप किया, मामला को शांत कराया। लेकिन कॉलेज प्रबंधन जो कहेगा फिर तो उसे दबाव में आकर छात्राओं को मानना पड़ता है। ऐसे में छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर अपने हक की बात कर रही हैं। अब देखिए कब तक इनकी मांगे पूरी होती हैं। लेकिन ये लगातार स्कूलों में हिंदू मुस्लिम करना, विरोध जताना, प्रदर्शन होना, प्रबंधन का एकदम से मुकर जाना, ये सब सवालों के घेरे में है। आखिर अगर आपको बैन लगाना फिर तमाम धार्मिक अनुष्ठानों पर, परंपराओं पर बैन लगा दीजिए स्कूल में, देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।